हेलो माय डियर फैमिली। तो भाई UT69 का ट्रेलर आया है, UT69 स्टारिंग राज कुंद्रा। हाँ, वही राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, द मास्क मैन, जिनके ऊपर कुछ टाइम पहले, अब आपको पता ही है पूरी कंट्रोवर्सी किस बारे में थी, वो भी पता ही होगा। वो खास शब्द मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बच्चे भी मेरे वीडियोस देखते हैं और कुछ लोग तो फैमिली के साथ बड़े टीवी पर देखते हैं। एनीवे, कुछ खास तरीके की फिल्म्स बनाने का इनके ऊपर आरोप लगा था और केस भी हुआ था और इसी मैटर में उनको जेल हुई थी। तो वही इंसिडेंट और उसके बाद के सिचुएशंस को लेकर बनाई गई है ये फिल्म UT69, कि उनके साथ जेल में क्या क्या हुआ, कितनी स्ट्रगल हुई, क्या हालात थे वहां पर, वगैरह वगैरह। कुल मिला के इस केस के बाद राज कुंद्रा की जेल की जर्नी हमें इस फिल्म में दिखाई जाएगी। ट्रेलर की शुरुआत होती है न्यूज से कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है, अश्लील फिल्में बनाने का आरोप लगा है। अश्लील बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम है। मतलब यूट्यूब वाले भी हमारी बैंड बजाते हैं, थंबनेल में भी नहीं लिख सकते, टाइटल में भी नहीं, मुद्दे पे आते हैं। तो भाई ऐसी फिल्में बनाने का उनके ऊपर आरोप था और फिर आर्थर रोड जेल के अंदर उनकी होती है एंट्री और फिर अंदर जाते ही शुरू होती है असली सजा, असली स्ट्रगल। कि भाई ये थोड़ा कहीं पर देखेला देखेला लगता है मेरे को, एक्टर है क्या, बिग बॉस में आयला है ना तू, बिग बॉस। मतलब जरूरी नहीं है कि बिग बॉस वाले ही कॉन्ट्रोवर्सी, आगे बढ़ते। और फिर शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड हमारे साथ जेल में बैठा हुआ है, इस बात को लेकर होती है भाई की असली स्ट्रगल शुरू। लोग उन्हीं के सामने शिल्पा शेट्टी को लेकर कमेंट्स करते हैं, वो जेल में सोने का स्ट्रगल, सुबह टॉयलेट में जाने का स्ट्रगल, खाने के लिए भी स्ट्रगल और सेल में जगह के लिए भी धक्का मुक्की का स्ट्रगल, कुल मिला के स्ट्रगल ही स्ट्रगल। लेकिन खास बात यह है कि ये सब स्ट्रगल देख के मैं इमोशनल कम हुआ, मुझे हंसी ज्यादा आई। नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की ऐसी सिचुएशन, ऐसे स्ट्रगल देख के मुझे हंसी आती है, ट्रेलर ही इन्होंने फनी बनाया है भाई। ऑनेस्टली मुझे पहले ऐसा लगा था, जब पहली बार पता चला था कि इस केस को लेकर ये फिल्म बनाई जा रही है, तो मुझे ऐसा लगा था कि वो उस केस को झूठा साबित करने के लिए या फिर ब्रेन वॉश करने के लिए बनाई जा रही है ये बायोपिक, क्योंकि जनरली ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज के ऊपर बायोपिक्स बनती है तो ये वाला फैक्टर कहीं ना कहीं पर होता है थोड़ा सा। लेकिन सिर्फ ट्रेलर से इस फिल्म का अंदाजा लगाए तो फिल्म के अंदर पूरा मैटर खुल्लम खुल्ला दिखाया गया है और ऊपर से उसके ऊपर मजाक भी बनाया गया है। क्या बात, गजब। वैसे किसी भी बायोपिक के अंदर खुद का रोल खुद ही प्ले करना, खास करके ऐसे मैटर में, डेयरिंग वाला काम है। ऊपर से उसको फनी वे में दिखाना, खुद का ही मजाक उड़ाना, ये बहुत टफ टास्क है और ट्रेलर के अंदर राज कुंद्रा भाई यही करते नजर आ रहे। तो उस हिसाब से देखिए तो भाई ने डेयरिंग तो की है। तो ओवरऑल ट्रेलर तो फनी है, राज कुंद्रा के परफॉर्मेंस की बात करें तो अब खुद का ही रोल प्ले करना था तो परफॉर्मेंस तो नेचुरल ही रहेगा, लेकिन फिर भी कैमरा के सामने सारी टेक्निकलिटी को ध्यान में रख के करने की बात करें तो अच्छा किया है उन्होंने। अभी हम सिर्फ ट्रेलर की बात कर रहे, उससे पहले जो हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो बात नहीं कर रहे। वैसे परफॉर्मेंस की बात करें तो लगता है कि बुरा मत मानना, मतलब ऐसे कोई गलत बात नहीं है, शिल्पा शेट्टी ने ट्रेनिंग दी होगी ऐसा लग रहा है। हाँ, ट्रेलर के अंदर पंचीज भी अच्छे थे। वैसे मेरा एक सवाल है कि ये UT69 का क्या मतलब होता है, अंडर ट्रायल 69 शायद, लेकिन पता नहीं इसके फॉन्ट और इसका स्टाइल देख के मुझे कुछ याद आ रहा था, नहीं भूल जाओ, आगे बढ़ते। तो भाई ट्रेलर तो फनी था, अब फिल्म के अंदर क्या होगा ये जानने के लिए एक्साइटमेंट तो है कि पूरी फिल्म फनी होगी या फिर इस केस के ऊपर सीरियसली कोई बात की जाएगी। तो बाकी बातें करते हैं फिल्म देखने के बाद 3 नवंबर को। बाकी आपको कैसा लगा ट्रेलर कमेंट करके बताना, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।